अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न पेज नंबर 92। राइट इन द एम्प्टी बॉक्सेस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपने एम्प्टी बॉक्सेस में लिखना है। पार्ट ए है 2 + 2 + 2। थ्री टाइम्स इन्होंने 2 दिया है हमें, 3 × 2 लिखा है और प्लस किया है। अब हमें 3 × 2 मिला है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे और ये 2 तीनों सेम ही वैल्यू हैं, हमारे पास सेम ही डिजिट्स हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 × 2 = 6। सेम इसी तरह 2 + 2 + 2 + 2। 4 × 2 गिवन है हमारे पास तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 ही है, यहाँ पे सेम वैल्यूज आ रही हैं, सेम डिजिट्स हैं, कोई भी वैल्यू या कोई भी डिजिट डिफरेंट नहीं है, तो हम यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 4 × 2 = 8, यहाँ हम 8 राइट करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे सी पार्ट में आपने क्या दिया है, इन्होंने 5 × 2 दिए, तो आप यहाँ 5 × 2 लिखेंगे और प्लस लगाते जाएंगे। सेम इसी तरह डी को कंप्लीट करेंगे और ई को कंप्लीट करेंगे। ये सब कंप्लीट करके आप बुक अपनी चेक करवाने स्कूल में लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई टू आंसर दीज वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपने मल्टीप्लाई करना है और इनके आंसर देने हैं। पार्ट ए में लिखा है हाउ मैनी आईज डू 4 कैट्स हैव। कह रहे हैं कि कितनी आईज होंगी 4 बिल्लियों के पास, ठीक है। एक बिल्ली के पास कितनी आईज़ होती हैं, ऑब्वियसली 2 होती हैं, हर किसी के पास 2 आईज़ होती हैं, किसी के पास 3 नहीं होती, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बींग हो, ठीक है। यहाँ 4 कैट्स हैं हमारे पास तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्यों, क्योंकि 4 कैट्स हैं और 2 एक कैट की आईज़ हैं। 4 × 2 = 8, तो 4 कैट्स के पास कितनी आईज़ होंगी, 8 आईज़ होंगी। हाउ मैनी फीट डू टू बॉयज़ हैव। कितने पाँव, फीट कहते हैं पाँवों को, अगर एक पाँव कहेंगे तो फुट होगा और अगर एक से ज़्यादा पाँव होंगे तो वो कहलाएंगे फीट। हाउ मैनी फीट डू टू बॉयज़ हैव। दो लड़कों के पास कितने पाँव होंगे, हर एक के पास कितने पाँव होते हैं, हर एक लड़के के पास, लड़की के पास, ह्यूमन बींग्स के पास 2 पाँव होते हैं, तो बॉयज़ 2 हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4। इट मीन्स दैट 4 फीट होंगे 2 बॉयज़ के पास। सी पार्ट कंप्लीट करेंगे आप, डी पार्ट कंप्लीट करेंगे और इसको चेक करवाने लेकर आएंगे।